Hello students, welcome back to English class. So let's continue with the same topic, that is verbs. So today we are going to solve exercise from Bravia on page number 114. So before solving exercise, first of all I will show you some examples. We'll solve some examples ताकि जो exercise है वो आप easily solve कर सको. Okay students, in my last video I have told you about a rule that singular verb agrees सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल वर्ब एग्रीज प्लूरल नाउन. इट मीन्स अगर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो एक है, तो जो वर्ब फॉर्म है उसमें हम एस और ई एस एड करेंगे प्रेजेंट फॉर्म में, और अगर वो एक से ज्यादा है तो हम उस वर्ब फॉर्म में एस और ई एस एड नहीं करेंगे. ओके सो लेट्स सॉल्व सम एग्जाम्पल्स ताकि आप ये वाला रूल आपको क्लियर हो जाए. ओके so let's see, the first is flowers bloom or blooms. अब यहाँ आप देख रहे हैं flowers हैं, है ना, एस लगा है, इट मीन्स बहुत सारे फ्लावर्स हैं. जब इट मीन्स कि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट का, तो यहाँ जो वर्ब फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, वहां हम लिखेंगे ब्लूम, ब्लूम्स नहीं लिखेंगे कि ऑलरेडी फ्लावर्स जो है वो प्लूरल है. ओके नेक्स्ट इज चिल्ड्रन प्ले और प्लेस. अब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक नहीं है, एक होता तो क्या होता, चाइल्ड होता, बट चिल्ड्रन मीन्स मोर देन वन, सो व्हाट विल राइट, प्ले या प्लेस, यहां क्या आएगा, द आंसर वुड बी प्ले, है ना, क्योंकि ऑलरेडी चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल है. नेक्स्ट इज वी लव लव्स आवर मदर. सो यहां पर वी, वी मीन्स अगेन एक से ज्यादा है, सो यहां पर लव आएगा ना कि लव्स, वी लव और मदर. नेक्स्ट दे स्टडी और स्टडीज, अगेन द सब्जेक्ट इज मोर देन वन, प्लूरल फॉर्म में दे, तो उसके लिए जो वर्ब फॉर्म आएगी उसमें हम ई एस नहीं यूज करेंगे, तो आई ई एस यूज नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, दे स्टडी. ओके नेक्स्ट इज रोनित प्ले और प्लेज. नाउ हियर रोनित इज सिंगल, वो अकेला है, सो हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, रोनित प्लेज. ओके यहाँ वर्ब फॉर्म में एस यूज होगा. नेक्स्ट गर्ल्स सिंग और सिंग्स, अगेन प्लूरल फॉर्म है वो सब इसकी नाउन की गर्ल्स है, तो यहाँ वर्ब फॉर्म क्या आएगी, सिंग, विल नॉट राइट सिंग्स, विल राइट सिंग, गर्ल्स सिंग. द काउस ग्रेज और ग्रेजेस, द काउस, काउस मतलब बहुत सारी काउस हैं, एक से ज्यादा हैं, तो जहां एक से ज्यादा होती है उसकी वर्ब फॉर्म में हम एस और ई एस एड नहीं करते, सो यहां हम क्या लिखेंगे, द करेक्ट ऑप्शन इज द काउस ग्रेज. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये मैंने आपको इसीलिए बताए हैं ताकि आप जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आप उसे अपने आप सॉल्व कर लो. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे आई थिंक इट इज क्लियर दैट सिंगुलर वर्ब एग्रीज सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल वर्ब एग्रीज प्लूरल नाउन. ओके नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 114, क्वेश्चन नंबर बी. ओके सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट्स. अब यहां कुछ ऑप्शंस हैं ब्रैकेट्स में, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस. द फर्स्ट इज काउ डैश ग्रास ईट्स ड्रिंक्स. एक तो ये तो ऑब्वियस है कि ग्रास कोई पीता नहीं है, खाता ही है, सो काउ ईट्स ग्रास, है ना. अब यहां पे देखो जो वर्ब फॉर्म है उसमें एस यूज किया है, ईट नहीं लिखा है, ईट्स लिखा है, क्योंकि काउ है, काउज नहीं है, है ना. नेक्स्ट इज birds dash, the options are walk or fly, so the answer is birds fly. Again यहां देखो जो birds हैं वो plural हैं, लेकिन जो उसमें action है, जो verb form हमने लिखी है उसमें s नहीं है. the fish dash in water, drown or swims, drown means डूबना, swims means तैरना, the fish swims in water. okay next is सतीश डैश इज सॉन्ग, ऑप्शन आर चर्ब्ड और सैंग, चर्ब्ड मीन्स चर्ब जो वर्ड है वो बर्ड्स के लिए यूज होता है, सो जो ह्यूमन
So we have written here sand. Okay. Next is this dog dash a child. Bit or hit. Okay. So bit means काटना और hit means मारना. So यहाँ क्या आएगा? This dog bit a child. Next, the tailor dash a dress. So options are given tore or stitched. Tore means फाड़ना, stitch means सिलना. So what is the correct answer? The tailor stitched a dress. Okay. Next, Sudha dash flowers. Sudha scattered flowers or gathered flowers? Sudha gathered flowers. Okay. So these are the answers of this exercise, and rest you have to complete it now. Page number 115. वहाँ पे भी कुछ errors हैं. उन एरर्स को जो हाईलाइट करे गए हैं और उन एरर्स को आपको रिप्लेस करना है करेक्ट आंसर्स से. ओके, क्लियर? सो डू इट. आई विल सेंड योर आंसर्स एंड देन यू कैन मैच योर आंसर्स वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.